कन्हैया और बड़े भाई, अब ब्रज में बड़ी प्यारी लीला है, माखन चोरी लीला। कन्हैया गाय चराने भी जाते हैं, कन्हैया गैया भी चराते हैं। मैया यशोदा कहबे अरे लाला भी तू छोटो है, अभी तू गैया चरावे मत जावे। कन्हैया कहे ना मैया, मैं तो गैया चरावे जाऊंगा। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आपने और हमने भैंसों से प्रेम कर लिया है, गायों से प्रेम नहीं किया। अधिक दूध के चक्कर में हमको गाय चाहिए नहीं, भैंस चाहिए। लेकिन याद रखना, भैंस का दूध उतना फायदेमंद लाभदायक नहीं जितना गाय का दूध है। अगर आजीवन गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति, जैसे आजकल कहते हैं शुद्ध नहीं रहती, याद नहीं रहती, देसी गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त कभी कमजोर नहीं होती, कभी कमजोर नहीं होती। गाय का दूध पीने वाला हमेशा स्ट्रांग रहता है, हमेशा। इसलिए कृष्ण गाय चराते हैं। गाय जब दूध नहीं देती तो छोड़ देते हैं जंगलों में। अरे तुम जब बूढ़े हो जाते, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे फिर? गौ को सिर्फ दूध के लिए मत पालो, गौ को समृद्धि के लिए पालो। गौ हमारी माँ है, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं। इस भाव से गौ को पालो। और अगर एक गौ को एक हिंदू पालेगा, मुख्तार नकवी, ही इज मुस्लिम, वो कहते गौ का मांस खाने वाले। और मैं कई मुसलमान भाइयों को जानता हूं जो मेरे साथ मेरे लिए खड़े हुए हैं। किस लिए? कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। सरासर सिर्फ मुसलमान भाइयों को दोष दे देना ये भी अपराध है। गौ हत्या हिंदू करे या मुस्लिम, सबके लिए एक सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा। और कोई दूसरी सजा हम लोगों को स्वीकार नहीं, चाहे कोई भी करे। हिंदू भी इन्वॉल्व है उसमें, हमें मालूम है, हमें मालूम है उसमें हिंदू भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, चुप छोड़िए। भगवान श्री कृष्ण जिस गाय को पालते हैं, वो गाय समृद्धि का प्रतीक है। आप सबसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप सब एक एक गाय पालिए, कम से कम एक एक गाय पालिए। अब आप हमसे पूछ रहे होंगे आप भी पालते हैं? 8 गाय हैं आपके शरीर के पास में, 8 गाय हैं। गौशाला नहीं बनाई, घर में गौ ही रखते हैं। और हम गौ का दूध ही पीते, वो भी देसी का, विदेशी का नहीं। जर्सी गाय का दूध पीने वाले को कैंसर हो ही सकता है निश्चित, 99%। और देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कभी भी कैंसर का मरीज नहीं होगा, ये उस दूध की क्षमता है और शक्ति है। अरे अपने बच्चों के लिए कुछ तो करो। अमृत तो महंगा ही होता है, गाय चाहे दूध कम दे, इसका मतलब है उस जो कम दे रही है उसमें ज्यादा तत्व है। अरे उस गाय का तो मूत्र भी काम आता है, दूध की तो बात छोड़ दे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब आप जोर से बोल लो, मेरे को भी खुश कर दो। अब आप चकाचक हो जाए एक बार। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।